आपको जब स्कूल में होमवर्क मिलता है कि आप एक्साइटेड होते हो कि स्कूल से घर जाऊंगा या जाऊंगी तो होमवर्क करना है या फिर आप घर में फ्रेश हो जाते हो स्कूल से आके तो आपको लगता है कि चलो होमवर्क करते हैं क्या आपको एक्साइटमेंट होता है या आपके लिए मतलब बोरिंग है कि क्या यार मुझे होमवर्क मिल गया कैसा लगता है आपको आ, क्या आप खुद से करते हो डू यू डू इट योर और डू यू गेट हेल्प क्या आप खुद से ही करते हो या आपको इसके लिए किसी की मदद लेनी होती है आई मीन खुद भी अपनी मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर या फिर कोई ट्यूशन मैम कोई सर कोई तो होगा जो आपको होमवर्क कराता होगा या फिर आप खुद से करते हो गए वॉट होमवर्क डू यू यूजअली हैव ओके आपको होमवर्क लाइक like, कैसा होमवर्क मिलता है क्योंकि Uh, कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि वीकली वंस होमवर्क मिलता है कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि मंडे को अगर मैथ्स का होमवर्क मिल रहा है तो ट्यूसडे को इंग्लिश का होमवर्क वेडसडे um, को साइंस का होमवर्क तो थर्सडे को हिंदी का होमवर्क सो लाइक दैट सो आपको कैसे होमवर्क मिलता है आई यू हैप्पी विद द होमवर्क यू गेट और यू फील लाइक क्यों मिल गया यार अगर नहीं मिलता तो कितना मजा आता कुछ ज्यादा ही देर खेल पाता या खेल पाती है ना पेरेंट्स भी आपके पीछे पढ़ते हैं कि होमवर्क कर लो होमवर्क कर लो सो so, चलो पढ़ते हैं पेट्रिक्स है पेट्रिक है एक की लड़का जो आपको दिख रहा है ठीक है इसकी स्टोरी है सो चैप्टर का नाम है हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क ओके सो लेट्स रीड

जैसे कि वो हॉकी खेलता था बास्केटबॉल खेलता था वीडियो गेम खेलता था ठीक है बट वो होमवर्क नहीं करना चाहता था हिज टीचर टोल्ड हिम पैट्रिक डू यू होम डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग ठीक है तो टीचर ने उसको क्या बोला कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं लर्न कर पाओगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे ओके okay? so if you see the uh, words which i have highlighted in yellow so those are the difficult words and uh, i'll be telling you the meaning at the same time as well as i have all the word meanings written over here okay so for uh, boring you can see the word meaning is Uninteresting जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है जो काफी इसका हिंदी का मतलब होता है उदासीन मतलब बहुत उदासी आती है इसको करते हुए बोरिंग होता है ठीक है फर्स्ट मीनिंग तो ये हो गया सेकेंड मीनिंग हो गया निंटेंडो का ठीक है निंटेंडो का मीनिंग यहाँ पे भी लिखा है अ वीडियो गेम ठीक है मैंने उसको यहाँ पे भी लिखा है अ वीडियो गेम ओके देन है अ थिंग यहाँ पे इसकी टीचर बोल रही थी ना डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग मीन्स कुछ भी नहीं सीख पाओगे अ थिंग मतलब एनी कुछ भी इग्नोर ये क्या है इग्नोर रेमिस मीन्स अनएजुकेटेड ठीक है फिर उसको क्या बोलती है एंड इट्स ट्रू समाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमिस मीन्स ये बिल्कुल सच है कि कुछ कुछ कभी कभी उसको क्या कैसा फील होता है बिल्कुल अनएडुकेटेड जैसा फील होता है अज्ञानी होता है ना जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता उसको ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञानी जैसा फील होता है बट वॉट कुड ही डू बट वो क्या करेगा ही हेटेड होमवर्क बट उसको होमवर्क ही पसंद नहीं है नफरत करता था वो होमवर्क करने से ठीक है ये फर्स्ट पैरा को फिर से बताती हूँ पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेट वो बोलता था ये काफी बोरिंग है और वो कभी नहीं करता था वो क्या करता था वो हॉकी बास्केटबॉल निंटेंडो खेलता था ठीक है निंटेंडो मतलब वीडियो गेम हिज टीचर टोल्ड डीम पेट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोर व्हाट कुड ही डू ही मैम भी उसकी यही बोलती थी कि तुम कुछ नहीं सीखोगे अगर होमवर्क नहीं करोगे और उसको खुद भी काफ़ी अनएजुकेटेड जैसा फील होता था बट करता क्या उसको तो होमवर्क करना ही नहीं पसंद था ठीक है चलो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैप्ड इट अवे एक दिन क्या हुआ उसने देखा कि उसकी कैट जो है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी ठीक है और वो क्या किया उस लिटिल डॉल को ग्रैप कर लिया ग्रैप मतलब देखते हैं क्या है यहाँ पे स्नैच्ड मतलब छीन लेना होता है ना जोर से पकड़ लेना तो वैसे ही वो से छीन लिया उसको जोर से पकड़ लिया टू सरप्राइज इट वॉज अ डॉल बट उसको जान के काफी सरप्राइज हुआ कि ये डॉल नहीं थी देखो ये पैट्रिक है ये उसकी कैट है और ये जो डॉल कह रहे थे ना अभी ऊपर वाली लाइन में ये डॉल नहीं लग रही है ना बट अ मैन ऑफ टाइनियस साइज ये एक इंसान था बहुत छोटा हेड था इसका बहुत कद इसका काफी छोटा था देखो टाइनियस मतलब क्या है टाइनियस मतलब होता है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ठीक है बट अ मैन ऑफ द टाइनियस साइज ठीक है उसको ही वो ग्रैप किया था ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच अब क्या था इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है इस टाइनियस साइज इंसान के बारे में बता रहा है ठीक है कि वो कैसा शर्ट पहना था वो वुलन शर्ट पहना था काफी ओल्ड फैशन पैंट पहना था ब्रिचेज है ना इसको एक तरह का ये पैंट होता है वो पहना था एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच और ये जो विच होती है ना वो ऐसे ही हैट पहनती है देखो विच मतलब यहाँ पे क्या है अ वोमेन विच मैजिक पार्स वुमेन विथ मैजिक पार्स ठीक है एक औरत जिसके पास जादुई शक्ति होती है ठीक है उसको विच बोलते हैं तो विच लोग जनरली क्या होता है ना ऐसे ही हैट पहनती है तो वो जो इंसान था छोटा सा वो वैसे ही हैट पहना था ठीक है ही येल्ट सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट मतलब देखो यहां पे, cried, के जब ऐसे बोलते हैं ना रोके तो वो चिल्लाया सेव मी मुझे बचा लो मुझे उस कैट को वापस मत दो बैक टू कैट आई विल यू अ विश मैं तुम्हें तुम जो चाहोगे वैसा करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये सब कुछ कौन बोला ये पूरा लाइन ये जो टाइन साइज का था ना उसने बोला सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट आई विल यू अ विश आई प्रॉमिस यू दैट ओके नाउ थर्ड पैराग्राफ पैट्रिक कुडन बिलीव हाउ लकी ही वॉज पैट्रिक क्या उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है ही वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स अब वो जो छोटा सा इंसान था ना वो पैट्रिक ये सोचा कि चलो यही सारा काम करेगा मेरा तो काफ़ी खुश हो गया सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट थर्टी फाइव डेज इफ़ यू डू अ गुड एन अफ जॉब आई कुड इवन गेट एज तो पैट्रिक के दिमाग में ये आया कि चलो इसे सारा होमवर्क कराते हैं तो उसको बोल रहा था कि चलो मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा पूरा होमवर्क करना पड़ेगा पूरा सेमेस्टर के एंड तक यानी थर्टी फाइव डेज तक तुम्हारा होमवर्क करना पड़ेगा अगर तुम ऐसा करते हो बहुत अच्छे से काम तो मुझे एज भी आ सकता है मतलब ग्रेडिंग होती है ना स्कूल्स में बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस तो उसके बेसिस पे उसको एज भी मिलेगा तो वो वही बात तो उस टाइनियस साइज मैन को बोला ठीक है अब सेमेस्टर का मीनिंग देख लो सेमेस्टर मीन्स पार्ट ऑफ अ स्कूल या ठीक है जैसे कि पूरे एक साल का होता है ना तो थर्टी सिक्स डेज का सॉरी थर्टी फाइव डेज का वन सेमेस्टर होता है पूरे वन ईयर में ठीक है नाउ ना विल पैराग्राफ द लिटिल मैं फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द देंपर ठीक है उस जो छोटे से इंसान था उसका जो फेस है ना काफी से सिकुड़ के एक जैसे कपड़ा होता है ना जिसे हम वो डिशेस साफ करते हैं वैसा हो गया था ठीक है रिंकल्ड मतलब देख लो लाइंस विथ है छोटी रेखाओं से भरी हिंदी का क्लॉथ क्या है क्लॉथ फॉर वॉशिंग डिशेज कहने का मतलब उसका मुंह काफी छोटा सा हो गया था किउलिप्स अब यहां से लेके यहाँ तक ठीक है उस उसका कैसा एक्सप्रेशन हुआ था उसने क्या किया उस समय सुन के जब वो पैट्रिक ऐसा होमवर्क के लिए उसको बोला तो यहां पे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है सो ही किड हिज लेग अपने लेग्स को क्या किया किक किया ग्राउंड है fist मतलब, मतलब ना तो क्या होता है हमारे पूरे फिंगर जैसे कर्ल हो जाते हैं एंड वो टाइटली पाम की तरफ आते हैं तो ऐसे क्लोज हो जाता है तो उसको कहते हैं फिस्ट मतलब मुठ्ठी बांधना ठीक है तो उसने क्या किया पैर को जोर से किक किया और अपने हाथों में ऐसे मुट्ठी बांध लिया ही ग्रीमेस्ट एंड स्काउल ओके ग्रीमेस्ट मतलब ही मेड अ expression शोइंग पेन discomfort, मतलब मतलब उसको पसंद नहीं था कि वो क्या बोला सर होता तो ना जब हमें कुछ पसंद नहीं होता तो हम तो ऐसे फेस पे मुंह बना लेते हैं कि ओह क्या है मतलब मुंह और ऐसे डिस्कम्फर्ट मतलब तुम जो बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा है उसको उसको एक वर्ड दिया गया है उसको कहते हैं ग्रीमेस्ट ओके Like you grimace every time when your mother asks to study, right? So that is the word grimaced, and scowled. Scowled? What is a Facial expression characterized by a frown or an angry, displeased look. Okay? These थोड़ा थोड़ा मिलता ही ये सिमिलर वर्ड है, है. स्काउल्ड मतलब भी वही होता है जब आप गुस्सा हो जाते हो ना या फिर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आप कैसा देखते हो मतलब कि क्यों बोल रहा है बंदा ये ऐसे क्यों बोला जा रहा है मुझे पढ़ने के लिए मैं क्यों नहीं खेलूँ तो वो सारे ये दोनों वर्ड्स वैसे ही हैं ठीक है थीके? उसने मुंह बना लिया और काफी गुस्से में देखा एंड पर्स्ट हिज लिप्स पर्स्ट मतलब क्या होता है टाइटनिंग और प्यूकरिंग वंस लिप्स टूगेदर ऑफर इन टू राउंड शेप ऐसे होटो को झुका के से थोड़ा सा राउंड बना लेते हैं ना गोल सा उसको कहते हैं पर्स तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे एक्सप्रेशन है कौन दे रहा है ये ये वो टाइनियस साइज मैन दे रहा है ठीक है तो ये ये सारे वर्ड्स के मीनिंग सारे लर्न कर लेना और इसके क्वेश्चन भी आएंगे कि हाउ ही रिएक्टेड बेनी हर्ड दैट पेट्रिक गाज टू हिज होमवर्क He kicked on the ground. He made fist. He grimaced and scowled, and pursed his lips. Oh, I'm cursed! But I will do it. Okay? What that man say? That I am cursed. मतलब कि wish evil. मतलब मुझे ऐसा curse ही किया गया है. तो मैं तो शापित हूँ. ठीक है उसको शराब दिया हुआ था इसलिए वो इतना छोटा सा था इसलिए उसने कहा ओ आई एम एम आई कर्स्ट बट आई विल डू इट बट मैं करूंगा इसको ठीक है फिफ्थ पैरा पढ़ते हैं एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क नाउ यू गेट टू नो द नेम ऑफ दैट टाइनियस मैन हिज नेम इज एल्फ ओके सो जैसा उसने बोला जैसा उसने प्रॉमिस किया वो वैसा ही पैट्रिक्स का होमवर्क करना शुरू कर दिया एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच एक ही प्रॉब्लम था एक ही गड़बड़ था ग्लिच मतलब देखो ग्लिच लेट मी सर्च ओके ग्रिच ग्लिच मैंने लिखा नहीं है बट इसका मतलब होता है गड़बड़ ठीक है

ओके okay, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ गड़बड़ हो गया जनरली ग्लिच हम यूज़ करते हैं जब हम मशीन का मतलब मशीन को की गड़बड़ी के बारे में बताते हैं कि वो ठीक से चल नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो वी से दैट देर इज ग्लिच सो यहाँ पे एल्फ के लिए भी यूज़ किया गया है आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्वीट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क अब एल्फ को तो पता नहीं था कि उसमें क्या लिखा होता है तो बोला आई डोंट नो दिस वर्ड मुझे पता ही नहीं ये वर्ड क्या लिखा है ओके तो okay? मतलब देखो यहां पे मेक अ हाई पिच शार्प शार्प मतलब जोर से होता है चिल्ला के बोलना ये क्या लिखा है मुझे तो पता ही नहीं है गेट मी अ डिक्शनरी नो वट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर ओके सो so, वो बोला कि एक डिक्शनरी दे दो फिर बोलता है कि नहीं रहने दो मैं देखता हूँ वर्ड को और एक एक लेटर करके जैसे साउंड करता है वैसे मैं पढ़ता हूँ ठीक है वेन इट केम टू मैथ्स पेट्रिक वॉज आउट ऑफ लक पेट्रिक तो सारा मतलब सो सब कुछ समझ में आता था बट जब मैथ्स की बात होती थी उसे तो कुछ नहीं समझ में आता था टाइम टेबल क्या है ये पूछा एल्फ श्री ठीक है टाइम टेबल्स एल मतलब फिर से जोर से है तो ना जोर से चीख के बोलना चिल्लाना तो वही पूछा एल्फ उससे वॉट आर टाइम्स टेबल्स वी एल्स नेवर नीडेड दैट ओके ठीक है तो वो बोला कि वी एल्फ मतलब वो जैसा भी जो भी क्रिएचर था अपने वैसे सारे क्रिएचर उस के बारे में बोल रहा था कि हम लोगों को कभी भी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी ये है क्या देखो ये सारा बैठ के देखो, फेस देखो कैसा है उसके सारे देखो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको होमवर्क में करना क्या है टेंथ पैराग्राफ देखते हैं and 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 मतलब मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था एल्फ को सिट डाउन बिसाइड मी यू विल सिंपली मस्ट गाइड मी ओके उसको वो बोला पैट्रिक को कि बैठो यहाँ पे मेरे बगल में और मुझे गाइड करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एल्फ को क्या ह्यूमन के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था ठीक है उसके लिए सब कुछ एक नया था कि ये क्या है सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर लिटिल एल्फ क्या करता था शाउटर किसको बोलते हैं जो चिल्लाता है हमेशा ठीक है वैसा इंसान जो हमेशा चिल्लाता है आप भी चिल्लाते हो ना आप भी शाउटर हो <laughs> नहीं हो ओके गुड सो शाउटर देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अ पर्सन हु शाउट्स और रेजेस देयर वॉइस लाउडली टू मेक देम हर्ड मतलब कि जोर से चिल्लाना ऐसे चिल्लाना ताकि लोग सुने तो उसको शाउटर बोलते हैं तो एल्फ क्या कर रहा था तो शाउटर तो वो था ही और भी वो ज़्यादा लाउडर हो गया मतलब और भी जोर ज़ोर से बोलने लगा गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स उसको बोला पेट्रिक को कि तुम लाइब्रेरी जाओ मुझे बुक्स चाहिए मोर एंड मोर बुक्स मुझे बहुत सारे बुक्स चाहिए सब पढ़ने हैं मुझे सब पढ़ के मुझे देखना है क्या देन आई विल डू द होमवर्क एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू ठीक है एंड वो पेट्रिक का भी हेल्प ले रहा था कि तुम भी रीड करो मेरा हेल्प करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे बोल रहा था सेवन पैराग्राफ एज अटर ऑफ फैक्ट एवरी डे in every way, that little लेफ़ was a nag. मतलब हो क्या रहा था पेट्रेट को तो सोचा था कि चलो एल्फ मेरा होमवर्क करेगा बट एल्फ क्या करता था नैक करता था मतलब कंप्लेन करता था कि मुझसे नहीं होगा ये क्यों करूं मुझे आता नहीं है तो नैक का मतलब देखो साइड में लिखा है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग ठीक है वो हमेशा उसको बोलता था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है मुझे बुक दो मुझे बताओ मुझे गाइड करो तो एवरीडे वो वही कर रहा था एल्फ पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग ठीक है पैट्रिक क्या कर रहा था उसको हेल्प करने के चक्कर में इतना ही ज्यादा वर्क कर रहा था कि उसके लिए एक क्या था कि मतलब ड्रैग कर रहा था वो उसको ट्रैक का मीनिंग देखो समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग Obviously, उसको पढ़ना लिखना तो पसंद था नहीं पैट्रिक को होमवर्क करना भी पसंद नहीं था तो उसके लिए एक ड्रैग था मतलब जबरदस्ती वो काम करना ही अप स्टेग हैड नेवर फेल्ड सो वियरी अब उस चक्कर में पैट्रिक क्या कर रहा था कि पूरे नाइट्स पर जगता था ही वो स्टेइंग नाइट्स मतलब स्टेइंग अप मतलब जगा रहता था नाइट्स में हैड नेवर फेल्ट सो वियरी हैड मतलब कभी भी उसको काफ़ी वियरी फील नहीं हो वियरी मतलब मतलब थकान होती है ना जब कोई थक जाता है काम करके तो so कभी भी इतना ज़्यादा थकान नहीं महसूस हुआ था वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज पफ एंड ब्लियरी इसका आईज जो था काफ़ी पफ हो जाता था फूल जाता था अगर तुम रात में नहीं सो तो आंखें फूल जाती है ना तो वैसे ही हो गया तो कुछ ठीक से दिखता नहीं ब्लियरी मतलब थोड़ा ब्लर दिखना ठीक है तो वैसे हालत हो गई थी पैट्रिक की एट पैराग्राफ Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. Okay, last day हो गया school का and अब elf का काम खत्म हो गया था elf अब free था जाने के लिए As for homework, there was no more. कि अब school तो खत्म ही हो रहा था तो homework तो कुछ बचा ही नहीं था So he quietly and slyly slipped out the back door. ठीक है चुपचाप पीछे के दरवाजे से वो side से चुपके से निकल गया Slightly, मतलब secretly. कभी आप भी ऐसा करते हो ना जब मम्मी कुछ काम कर रही हो तो चुपचाप निकल जाते हो अपने से खेलने के लिए तो वैसे ही एल्फ भी चुपचाप के से निकल गया पेट्रिक गॉट हिज एज पेट्रिक को क्या मिला एक ग्रेड मिल गया हिज क्लास क्लासमेट्स वी आर अमेज उन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पेट्रिक को ए ग्रेड मिला कैसे वो अमेज थे मतलब सरप्राइज थे His teachers smiled and were full of praise. काफी तारीफ कर रहे थे कि तो ये हुआ क्या पेट्रिक को ये ऐसा कैसे हो गया ही वॉज नाउट अ मॉडल किड अब वो क्या बन गया मॉडल किड मॉडल किसको बोलते हैं ऐसा काम जो करते हैं ना जिसको देख करके हमारे पीछे और भी लोग फॉलो करें तो वैसा बन गया कि लोग सोचते थे चलो पेट्रिक जैसा बनना है पेट्रिक जैसा एक ग्रेड लाना है वो अपना रूम क्लीन करता था ही क्लिन हिज रूम डेड हिज कोर्स अपना सारा काम करता था हमेशा खुश रहता था कभी भी रूड नहीं रहता था नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड और बिल्कुल ही उसकी सोच ही बदल गई थी ठीक है तो क्या हुआ जब उसको ए ग्रेड मिला उसकी टीचर खुश हो गए उसके पेरेंट खुश हो गए एंड वो एक क्या बन गया मॉडल किट बन गया और मॉडल किट बन गया तो उसको तो सब सारे अच्छे काम करने ही थे मीन्स अपना रूम क्लीन करता था अपना सारा काम करता था ख़ुश रहता था कभी भी किसी से बुरे तरीके से बात नहीं करता था आपको भी नहीं करना चाहिए ठीक है चाहे आप ए ग्रेड लाओ चाहे नहीं लाओ बट कभी भी किसी से रूट तरीके से बात नहीं करते हैं इस चीज का ध्यान रखना आपको गुस्सा आता है ना आप नॉर्मली बोलो सेम वर्ड्स नॉर्मली बोलो गंदे तरीके से नहीं बोलो ठीक है एंड टोन मैटर्स आप कैसे बात कर रहे हो ना वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क अब लास्ट में देखो पैट्रिक सोच रहा था अभी तक कि वो जो टाइनी मैन था ना जो छोटा आदमी एल्फ था वही सारा उसका होमवर्क किया बट सीक्रेट क्या है बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉज इन द एल्फ पैट्रिक हैड डन हिट हिम सेल्फ तो सीक्रेट यही था कि एल्फ में कुछ नहीं किया सारा होमवर्क पैट्रिक ही करता था क्योंकि elf को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो ह्यूमन बींग तो था नहीं ठीक है वो एक अलग ही क्रिएचर था ह्यूमन का उसको कुछ समझ नहीं आता लिखा क्या ये पढ़ाई क्या होती है कुछ भी उसे नहीं पता था तो फाइनली हुआ क्या की बैटरी की अपना होमवर्क किया ठीक है स्टोरी का राइटर है कैरल मोर है ठीक है आपको भी अपना होमवर्क करना है जस्ट नॉट कि स्कूल में दिखाना है मैम ने कहा है होमवर्क हमें इसलिए मिलता है कि जो भी हमने पढ़ाई होता है ठीक है स्कूल में तो एक जस्ट रिविजन भी होता है कि आपने क्या पढ़ा तो उसके क्वेश्चन आंसर आप कर पाते हो कि नहीं एंड आप ड्यूरिंग होमवर्क आप उस चीज़ को लर्न भी कर सकते हो तो आपका चैप्टर वहीं का वहीं फिनिश हो जाएगा सो इसीलिए होमवर्क इंपॉर्टेंट है करना एंड यू सी ऑल दिस क्वेश्चन आंसर राइट जो भी यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये सारे फिलिंग ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे हैं वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ वॉट वॉज इट रियली पैट्रिक थॉट That his cat was playing with a doll. Actually it was a small man. Why did the little man grant Patrick a wish? The little man granted him a wish because he saved him from the cat. A first question. Hindi. पेट्रिक क्या सोचा कि उसका कैट किसके साथ खेल रही है और वो था क्या एक्चुअली में पेट्रिक सोचा था कि उसकी कैट खेल रही है एक डॉल के साथ लेकिन वो एक स्मॉल मैन था ओके टाइनियस मैन था वाई डिट द लिटिल मैन ग्रैंड पेट्रिक का विश लिटिल मैन जो था छोटा आदमी वो जो वो क्या पेट्रिक को किया ऐसा कौन सा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बोला ठीक है तो लिटिल मैन ग्रैंड विश क्यों किया था वो विश क्यू ग्रांट किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसको वो कैट को नहीं दे दे एंड पैट्रिक उसको सेव किया था लिटिल मैन ग्रांटेड हिम अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट कैट से बचाया था ना इसीलिए व्हाट वाज पैट्रिक्स विश हिज विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ ठीक है उसका विश यही था कि उसका होमवर्क करते इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें पैट्रिक होमवर्क करने में लिटिल मैन को हेल्प चाहिए होता था तो वो था मैथ्स एंड हिस्ट्री हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम पैट्रिक ने कैसे हेल्प किया ही हेल्प हिम बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स ओके सो पैट्रिक कैसे हेल्प करता था उसको बुक ला के देता था उसको एक्सप्लेन करता था उसको रीड करके बताता था कि इसका ये मतलब है इसको ऐसे लिखो हु यू थिंक दैट हु यू थिंक दट पेट्रिक्स होमवर्क

But I like to help at home. Who stole the diamond still a mystery? This semester we are going to have a class exhibition. Four, true to his word the elf began to help Patrick. Fifth, can you can you look up this word in the dictionary? I started I started early to be on time but I was out of luck there was a traffic jam. She says, she's got a lot of books, but between you and me, I think most of them are not borrowed, okay? So fill in the blanks is here. This is the crossword puzzle, okay? Here the answers are, first, Kaviri, scowl, breeches, glitch, elf, course, hamper, sheet. okay? You can make a note of it in your textbook. Likewise, go through this and you can make a note of it. Okay, just pause the video, note it down all the answers. Okay. You can see I'm not reading it out for you. You can note it down in the book. So I hope you liked the video. So I hope you understood the Patrick story why he didn't want to do his homework. And this is Elf. His homework Patrick se So kaise story? Mazay? Ab kam karna. Okay? ये वर्ड मीनिंग्स है ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो ठीक है ये ट्वेंटी सिक्स तक है अभी एंड नाउ थर्टी फाइव तक बेटर यू टेक अ स्क्रीनशॉट कुछ अगर कच्चा रहा है देखो स्क्रीन से अभी एक एक्साइटमेंट इधर आ गया एंड दिस इज विथ बकल्स ओके टेक स्क्रीन शॉट क्विकली सब कुछ लर्न करो हिंदी मीनिंग्स भी पता होने चाहिए ओके चलो देन इफ यू लाइक द वीडियो एंड माय एफर्ट प्लीज लाइक द चैनल सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ओके डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आफ्टर क्लोजिंग द वीडियो ओके बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर बाय बाय सी यू